नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्ट क्लासेज स्टडीज़ में। और आज अपन मैथ में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है पाइप एंड टंकी। दोस्तों अगर आपने इससे पहला वीडियो टाइम एंड वर्क का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से टाइम एंड वर्क देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीका बताया। अगर आपको टाइम एंड वर्क पूरा आता है तो पाइप और टंकी समझने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अगर आप डायरेक्टली यही वीडियो मेरा देख रहे हो तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, आपको इसको देखने से भी ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस शर्त ये है कि क्लास आप पूरी लेना। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक कर देना वीडियो को और चैनल को छोड़कर आज ही चले जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आइए शुरू करते हैं हम पाइप और टंकी को। पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं हम इसके बारे में कि इसमें क्या क्या शब्दावली आती है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर एक तो नल होगा और एक टंकी होगी, नल होगा और एक टंकी होगी। आपके क्वेश्चन में जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं उनमें ऐसे बोला जाता है कि नल ए एक टंकी को इतने समय में भरता है, नल बी एक टंकी को इतने समय में भरता है, नल सी एक टंकी को इतने समय में खाली करता है। तो बताइए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा यदि तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए। अकेला सी ए और बी मिलकर इस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं, ए और बी इस टंकी को 15 मिनट तक भरते हैं, उसके बाद सी चालू कर देते हैं, तो सी एक रिसाव है जो पानी को बाहर निकालता है। इस प्रकार के क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है। हम सेकंड क्लास में ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एक नल होगा जिसमें एक नहीं तीन तीन चार चार पाइप एक अलग अलग स्तर पर लगाए हुए होंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको जानेंगे और मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आप पूरी क्लास आप लेते हो तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आप इस तरीके से कर नहीं सकते। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जैसा क्वेश्चन बनता है और जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आप करते जाइए। क्वेश्चन नंबर एक है कि नल ए तथा नल बी किसी टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ चालू किया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, आप हमेशा यहाँ पर नल ए लिखेंगे, नल ए 15 मिनट में भरता है। एक आपके पास है नल बी, इस टंकी को 20 मिनट में भरता है। आपको दे रखा कि नल सी इस टंकी को खाली करता है, तो दोस्तों इसके आगे आप एक छोटा सा माइनस लगा लीजिए ताकि आपको ये पता रहे कि ये सी है टंकी को खाली करता है। नल सी इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में भी इस प्रकार से पूरा टाइम एंड वर्क हमने किया था और सेम टाइम एंड वर्क के जैसे क्या हमारा पाइप और टंकी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप टाइम एंड वर्क देख लीजिए। पाइप एंड टंकी तो यहाँ पर हमारा निकल कर आता है टोटल वर्क जो हम निकालते हैं एलसीएम से। 15, 20, 30 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। 15 चौकी 60, 20 3 60 और 3 2 6 तो 2 बार 30 2 60 हो गए। अब आप एक बात समझिए यहाँ से, आपके क्वेश्चन को जिससे आप क्वेश्चन पढ़ो तो इतना सॉल्यूशन आप कर लीजिए डायरेक्टली। अब क्वेश्चन की लाइन आप पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन की लाइन क्या बोल रही है, तीनों नलों को एक साथ चालू किया तो भैया ये हो जाए आपकी एक टंकी है, आपके दो नल वो पानी भर रहे हैं, एक नल साथ में पानी निकाल रहा है। आप मेरे को बताइए नल ए और नल बी पानी को भर रहे हैं, नल सी पानी बाहर निकाल रहा है। यहाँ हमेशा यहाँ 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट थी तो यहाँ पर हमेशा एक मिनट की दक्षता आएगी। अगर यहाँ पर दिन होते तो यहाँ पर एक दिन की दक्षता आती। आ गई बात समझ में। आइए ए चार पानी भर सकता है प्लस बी एक मिनट में तीन पानी भर सकता है, परंतु सी तो खाली करेगा इनके साथ, ये 7 पानी डालेंगे और इस 7 में से ये जो सी है वो 2 पानी बाहर निकाल देगा, यानी कि -2। आप बता सकते हो कि एक मिनट में काम कितना हो रहा है, 4 5 6 7 7 भरा जा रहा है, 2 खाली हो रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 5 भरा जा रहा है एक मिनट में। अगर ये दोनों नल भरते तो पानी 7 भरा जाता, लेकिन 2 7 में खाली हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर 5 पानी भरा जा रहा है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताइएगा, अब 5 पानी एक मिनट में भरता है तो 60 पानी कितने समय में भरेगा, तो 60/5 बराबर 12 मिनट। ये आपके प्रश्न का उत्तर।
आई होप दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक एक क्वेश्चन सभी टाइप के आपको बताऊंगा। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप इस प्रकार से बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। सारे क्वेश्चन हम इसी प्रकार से करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है। नल ए किसी टंकी को, अलग टाइप का क्वेश्चन है। नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। नल ए है वो एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी के तल में एक रिसाव होने के कारण। टंकी के तल में क्या हो गया, एक रिसाव हो गया। टंकी के तल में एक रिसाव होने के कारण टंकी भरने में अब 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि एक रिसाव है और उस रिसाव का नाम मान लो बी, माइनस खुल गया मैंने क्योंकि वो रिसाव है, खाली कर रहा है। ए 15 मिनट में भर सकता है और बी भैया 7 काम करेगा, तो ये खाली कर रहा है इसीलिए टंकी भरने में ज़्यादा समय लग रहा है। ज़्यादा समय कितना लगा, 10 मिनट का ज़्यादा समय लगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन। पहले 15 मिनट में भरती थी, अब 25 मिनट में भरेगी। टंकी कितने मिनट में भरेगी, 25 मिनट में। यानी कि दोस्तों अब 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे क्योंकि रिसाव पानी को निकाल रहा है। अब आप छोटी सी मेरे को एक बात बताइए, 25 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 25 × 50, 25 × 75। तो 15 × 5 = 75 और 25 × 75। अब यहाँ समझने वाली चीज़ है, पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं। तो बताइए अकेला रिसाव भरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। अकेला रिसाव कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है। आपको टंकी खाली करनी है, आप मेरे को छोटी सी बात बताइएगा। यहाँ पे 5 टंकी अकेला ए भर सकता है, सॉरी यहाँ पर ए प्लस बी दोनों आएंगे, ए प्लस बी दोनों आएंगे। आप मेरे को बताइए ए प्लस बी में से, मैं देखो ये भी भर रहे हैं दोनों, ये भी भर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय बी की वजह से लगा क्योंकि बी क्या एक रिसाव है। क्या है दोस्तों, एक रिसाव है। दोनों में से मैं अगर ए घटा दूँ तो मेरे पास केवल बी की दक्षता बचेगी। तो ए प्लस बी माइनस ए बराबर मेरे पास क्या आएगा, बी आएगा। बताओ ए प्लस बी कितना है, 3 है। अकेला ए कितना है, 5 है। यहाँ हमारे पास बी की दक्षता आ जाएगी, 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास आया -2 = बी। छोटी सी बात बताओ दोस्तों, यहाँ पर माइनस आ गया तो दक्षता तो कभी माइनस में होती नहीं है, दक्षता तो माइनस में होती नहीं है। इस माइनस का मतलब क्या है, टंकी खाली होना। इस माइनस का मतलब क्या है, टंकी 2 की दर से खाली हो रही है। आप खुद देख लीजिए, 5 टंकी भरती थी पहले, सॉरी जैसे एक मिनट में 5 टंकी भरती है या 5 लीटर पानी ए भरता है, लेकिन रिसाव होने की वजह से वो 3 लीटर ही भर पा रहा है एक मिनट में। कितना लीटर, 3 लीटर ही भर पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 लीटर खाली हो रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा है एक मिनट में। तो पूरा 75 लीटर आप मानकर चलते हो, तो 75 काम को करने में भी कितना समय लगाएगा। ये बी हम निकाल रहे हैं, जो रिसाव है ये टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, 37 = 1/2 मिनट में। ये लो दोस्तों आपका आंसर। आगे बात समझ में, बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप दोस्तों आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन पाइप और टंकी के, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगा इस वीडियो में। इसके अलावा हम अगले पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे क्योंकि इतना ही हमारा, ये क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है इस बार वाला, कि अब क्या करेंगे हम, दो टंकी में दोनों नल चालू कर देंगे, एक नल को बीच में ही बंद कर देंगे, एक नल को बीच में ही बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन, नल ए तथा नल बी किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट व 48 मिनट में भर सकता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब दोस्तों 36 और 48 मिनट में दोनों भर सकते हैं, तो आप बोलिए नल ए है एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और नल बी है एक टंकी को 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ चालू किया गया तो बताइए नल बी को कितने समय बाद बंद करें ताकि पूरी टंकी भरने में 27 मिनट का समय लग जाए। बस छोटा सा क्वेश्चन है।
एलसीएम लोगे आप तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका एलसीएम आएगा 144। एलसीएम अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप 36 और 48 का एलसीएम इस प्रकार से निकाल सकते हो। अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तीन पार्ट में पूरा एलसीएम और एचसीएफ खत्म किया है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यानी कि डेढ़ घंटे की तीनों क्लास है, डेढ़ घंटे अगर आप पढ़ते हो उसको तो आपका एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। अब देख लीजिए, छः को किससे गुणा करेंगे, लास्ट में चार दे छः चौके 24, आठ को किससे गुणा करेगी, चार आ जाए तीन से। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। टंकी पूरी 27 मिनट में भरेगी, ये एक अपनी टंकी है भाई, इस पूरी को हमें, पूरी टंकी है कितनी 144, ये ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये 27 मिनट में भरेगी और हमने बीच में मान लो यहां पर हमने नल बी को बंद कर दिया, यहाँ ए और बी दोनों काम कर रहे थे और हमने बी को यहाँ बंद कर दिया, बंद। और अब आपको बताया गया है यहाँ तो ए ही काम करेगा ना भैया, लास्ट में तो ए ही काम करेगा, पहले दोनों काम करते फिर ए काम करेगा। बस छोटा सा कॉमन सेंस लगाना आपको कि देखो दोनों जगह ए तो काम कर रहा है ना, ए पूरे 27 मिनट तक काम कर रहा है ना, ए एक मिनट में कितना काम करता है, चार काम करता है, एक मिनट में चार काम करता है, यानी कि चार लीटर पानी भरता है। तो 27 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा, तो आप 4 × 27 ए द्वारा भरा गया पानी कितना आएगा दोस्तों, 7 × 4 = 8, 700 × 28 80, और 28 कितना होता है 108। पूरे 27 मिनट तक यदि ए काम करे तो वो 108 काम कर लेता है, तो आप 144 में से 108 घटाओगे तो मेरे को छोटी सी बात बताओ, 36 काम बचेगा जो किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, बी के द्वारा, क्योंकि ए तो पूरे समय काम कर रहा है 27 मिनट, लेकिन 27 मिनट तक ए का काम हो गया। अब बी का काम बचा दोस्तों कितना बचा, 36 काम बी करेगा, बी एक मिनट में तीन काम करता है, तो 36 काम को करने में कितना समय लगाएगा, 12 मिनट। और अब भैया आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि बी को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि टंकी 27 मिनट में भर जाए, भैया बी को आप यहाँ 12 मिनट बाद बंद कर दो। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, शॉर्टली रिवाइज करवाता हूँ। पूरे 27 मिनट तक कौन काम करेगा, ए, ए कितना काम करेगा 108, बचा काम तो बी के हिस्से में आया होगा, काम बचा कितना था 36 काम, बी तीन काम करता है तो 12 मिनट में पूरे 36 काम कर लेगा। आई होप तीनों क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं चौथे टाइप की ओर और एक शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन है वो हम करते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए नल ए तथा नल बी क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में एक नल को भर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पे, बढ़िया। और देखिए कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बस एक गेम खेलने के जैसे आपको ये वीडियो लगेगा, ठीक है। यानी कि ये टॉपिक आपको एक गेम की तरह लगेगा, एक बार अगर चीज़ें समझ में आ गई इसके बाद में मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की आपको कि बार बार किसी चीज़ में उलझने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। बस शर्त ये है कि हमें अपनी स्टडी पर एक फोकस रखना है, कंटिन्यूसली उसको एक टाइम देना, ये नहीं कि हम 5 घंटे दिन में मैथ पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटे जीके के लगे पड़े हैं, इतना मत करना। बस आप एक पर्टिकुलर चीज़ लेकर चलिए कि मुझे इतनी सी चीज़ अभी आनी चाहिए और मेरे को पढ़नी है, तो उतनी चीज़ पढ़िए। आप सोचते हो कि मैं 2 दिन में पूरी हिस्ट्री पढ़ूंगा, नहीं होगी कभी क्लियर। आप चाहते हो कि मैं 10 दिन में पूरी मैथ पढ़ दूंगा, कभी क्लियर नहीं होगी। बस आप ये सोचिए कि मैं 1 दिन में 1 घंटा मैथ पढ़ूंगा और उस 1 घंटे में मैं 5 अलग अलग टाइप के एक ही चैप्टर के क्वेश्चन करूंगा, बस आपका मैथ क्लियर है धीरे धीरे। इसी प्रकार मेरे साथ आप बढ़ते रहिए। चलो अगले टाइप की ओर की, नल ए तथा नल बी किसी टंकी को क्रमशः 3 व 4 घंटे में भर सकते हैं। तो आप आराम से बोल सकते हो कि नल ए है एक टंकी को 3 घंटे में और नल बी है एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है।
पूरी टंकी को एक घंटे में खाली कर सकता है। एक घंटे में ही खाली कर रहा मतलब ये फास्ट नल है, ठीक है। आगे बढ़ो, तीनों नलों को दोपहर क्रम से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइम वाले, दोपहर क्रम से इतनी बजे इतनी बजे इतनी बजे चालू किया गया है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से आप बड़ी आसानी से ये बजे वाले क्वेश्चन हल कर पाओगे। आपको ये बोला, ये माइनस मैंने इसलिए लगाया कि ये खाली कर रहे हैं, दोपहर को इसको दो बजे चालू किया गया, तीन बजे इस नल को चालू किया गया और चार बजे इस नल को चालू किया गया, ठीक है। बताइए भरा हुआ भाग कितने समय में खाली हो जाएगा, कि कितना भाग भरा था और कितना खाली हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। मेरे हिसाब से 12 एलसीएम आएंगे और 12 क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क, 3 का भाग 12 में 4 बार तो 1 मिनट की दक्षता आ गई। ये बताइए दोस्तों ये 4 थी 12, 1 मिनट में 3 काम करता है तो पूरे 4 मिनट में 12 काम कर लेगा। एक का भाग 12 में दोगे 12, यानी कि 12 एक मिनट में 12 काम करता है, एक मिनट में पूरे 12 काम करता है, तो 12 काम करने में इसे एक ही मिनट लगेगा। अब चलो दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर बड़ी आसानी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है कि नल तीनों को, एक को 2 बजे चालू किया, मेरे को एक छोटी सी बात बताऊं, इस नल को 2 बजे चालू किया और सी को जब चालू करेंगे तो क्या ये 2 से 3, नल ए है वो 2 से 3 और 3 से 4 क्या 2 घंटे तक काम कर चुका होगा, तो नल ए 2 घंटे तक काम करेगा और घंटे में थी, मिनट में थी, एक बार ये देख लो घंटे थे तो आप, सॉरी दोस्तों मैंने आपको मिनट मानकर बता दिया था, घंटे में वैल्यू तो घंटे में मानेंगे, तो 4 काम करता है तो 2 घंटे में 4 × 2 = 8 काम ए ने किया होगा। उसके बाद आप देखिए बी का अगर हम करते हैं तो बी देखो 3 से 4 बजे तक काम करता है, 4 बजे बाद तो खाली होना स्टार्ट हो जाएगा, 4 बजे तक काम करता है तो 1 घंटे काम करेगा, यानी कि नल बी 1 घंटे काम करता है और 1 घंटे में 3 काम कर लेता है, तो ये कितनी टंकी अब तक भर चुकी है, 8, 9, 10, 11 टंकी भर चुकी है। अगर आप टंकी बनाकर करना चाहें तो छोटा सा देखिए, नल सी को चालू होने से पहले इस टंकी में 11 लीटर मान लो पानी आ चुका है। अब दोस्तों तीनों को एक साथ चालू किया, आप तीनों चल रहे हैं कंटिन्यू, तीनों कंटिन्यू चल रहे हैं, इसकी दक्षता ज़्यादा है तो आप खुद सोचकर बता सकते हो कि टंकी पहले खाली हो जाएगी, जल्दी खाली होगी। छोटी सी मेरे को बात बताओ दोस्तों, 11 है, इस 11 तो भर चुका, अब सी चालू होगा तो ऊपर से साथ में ए और बी से भी पानी आएगा, ए और बी से 4 और 3 पानी आएगा और ये 12 खाली करेगा, 4 और 3 कितना पानी आएगा, 7 लीटर पानी आ रहा है और ये प्रत्येक घंटे में 12 लीटर खाली कर रहा है, यानी कि 7 तो इसको पहले से मिल चुका है, 7 लीटर तो ऊपर वाले में से मिल गया आप पानी कंटिन्यू, लेकिन पहले वाले जो बचा हुआ भाग था 11, क्या 5-5 की दर से उसमें से पानी निकालेगा, यानी कि सी की दक्षता क्या आ गई, 5। क्यों आई दोस्तों 5, एक बार फिर से देखिए, 7 पानी तो अब 4 बजे बाद में ऊपर से आ रहा है और 12 पानी निकल रहा है, भाई 7 तो ये आ रहा वो निकल गया, 5 पानी निकलेगा तो जो 11 पानी बचा हुआ है उसमें से निकलेगा, उसमें से निकलेगा तो प्रत्येक 5-5 के हिसाब से निकलेगा, तो मेरे को बताओ पानी है कितना, 11 लीटर भरा हुआ भाग कितने समय में खाली हो जाएगा, तो 11/5 की दर से ये खाली करेगा, यानी कि 1 घंटे में 5 पानी भरे हुए पानी में से खाली करेगा, तो 5 × 10 1/5 घंटे, ये आपका आंसर। आई होप दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको घर के लिए सेम यही टाइम वाला एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन ये है, अच्छा एक मिनट, छोटी सी चीज़ और रह गई कि 4 बजे चालू किया, बताइए भरा हुआ भाग कितने समय में खाली होगा। इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता था कितनी बजे खाली होगा, सबसे इम्पोर्टेंट कितनी बजे खाली होगा, तो 4 बजने के 2 घंटे 1 सही 5 बट 2 सही 1 2 सही
एक बटे पाँच घंटे बाद ये खाली हो जाएगी। यानी कि दोस्तों मेरे को छोटी सी एक बात बताओ, आप चार बज रहे थे, चार बजे बाद में दो सही एक बटे पाँच घंटे में खाली हो जाएगी। एक बटे पाँच को मिनट बनाना है तो इंटू साठ कर दीजिए, बारह पंजे साठ, यानी कि दो घंटे बारह मिनट में खाली होगी। तो आप बोल सकते हो कि छः बजकर बारह मिनट पर भरा हुआ भाग खाली हो जाएगा। यही है आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आगे दोस्तों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके घर के लिए जो आपका होमवर्क है, और अगली क्लास में बाकी हम बात करेंगे। नल ए व नल बी 12 व 15 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि नल सी इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को प्रातः 6 बजे, 7 बजे और 10 बजे खोला जाए तो टंकी कितनी बजे खाली होगी, कितनी बजे खाली होगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब आप मेरे को बताइए, अगर आपने पूरी क्लास ली है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो आप अपनी ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पर शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी भाई बहन हैं उनकी हेल्प हो सके। आई होप एक अच्छी आशा के साथ आप आगे बढ़ते रहो और जल्द से जल्द आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो, यही हमारी उम्मीद है। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।